चारा घोटाले के एक केस में लालू पर आज फैसला सुनाएगी रांची के सीबीआई अदालत। देवघर ट्रेजरी से करीब 90 लाख की निकासी का है मामला। लालू ने आज तक से बातचीत में जताया भरोसा, मुझे कोई तनाव नहीं, न्याय व्यवस्था पर है पूरा भरोसा, 2G की तरह निकलूंगा बेदाग। न्याय व्यवस्था पर जुडिशियरी पर विश्वास है, 2G में जिस तरह से सीबीआई ने किया और काम था ही नहीं, उसी तरह से हम लोग बैठते। देवघर के चारा घोटाले में आरोपी थे 34 लोग, 11 लोगों की ट्रायल के दौरान हो चुकी है मौत। लालू के साथ पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी हैं मामले में आरोपी, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह सुनाएंगे फैसला। मुंबई के आदर्श घोटाले में सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार को झटका, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण पर नहीं चलेगा मुकदमा। अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज, पूर्व सीएम ने जताई खुशी। 2G मामले में बरी होने के बाद आज चेन्नई पहुंचेंगे ए राजा और कनीमोझी, शानदार स्वागत की तैयारी। एयरपोर्ट पर स्वागत में जुटेंगे करीब 3000 डीएम के कार्यकर्ता, गोपालपुरम जाकर करुणानिधि से मुलाकात करेंगे राजा और कनीमोझी। आज गुजरात में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, चिंतन बैठक में लेंगे हिस्सा, सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। सोमनाथ में दर्शन के बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे राहुल, दोपहर में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। दोपहर 3:15 के बाद सौराष्ट्र कच्छ के कांग्रेस नेताओं संग राहुल करेंगे बैठक, शाम को रवाना होंगे दिल्ली। विजय रूपाणी ही बने रहेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। नितिन पटेल का भी बरकरार रहेगा डिप्टी सीएम का पद, केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायकों का फैसला। सीएम के तौर पर नाम तय होने के बाद रूपाणी गदगद, कहा विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी बीजेपी सरकार। विजय रूपाणी के नाम के ऐलान के बाद समर्थकों में जश्न, राजकोट में बीजेपी ऑफिस के बाहर आतिशबाजी। शिमला में मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश के लिए बीजेपी की बैठक से पहले बवाल, धूमल समर्थकों ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने किया प्रदर्शन। सीएम पद की रेस से धूमल के बाहर होने की खबर से नाराजगी, जयराम ठाकुर के समर्थकों ने भी किया हंगामा। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद की रेस से नड्डा और धूमल बाहर, जयराम ठाकुर की मजबूत दावेदारी। जयराम ठाकुर के पक्ष में दिखे बीजेपी के सांसद शांता कुमार, इशारों इशारों में धूमल समर्थकों की नारेबाजी पर जताई नाराजगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।